बाइक्स भी आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं 2022 में इंडिया में लॉन्च होने वाली बेहतरीन बाइक्स के बारे में। नंबर 4, हस्क्वर्ना सॉल्ट प्लेन 125। इंडिया में हस्क्वर्ना कंपनी को KTM ऑन कर दी है और अब कंपनी KTM 125 ड्यूक वाली ही 125 सीसी इंजन को हस्क्वर्ना के साथ शेयर करेंगे। इस अपकमिंग बाइक में हमें 125 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो कि 14.3 bhp पावर और 12 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करेगा। ये बाइक एडवेंचर टाइप सेगमेंट में आएगी और इसमें वायर स्पोक व्हील्स के साथ राउंड हेडलाइन, लॉन्ग सीट, फ्रंट में फोक और रियर में शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया जाएगा। प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट की बात करें तो इंडिया में हस्क्वर्ना सॉल्ट प्लेन 125 को अप्रॉक्सिमेटली 1,25,000 की प्राइस पर रखा गया है और साथ ही साथ मार्च या अप्रैल के आसपास ही लॉन्च हो सकती है। नंबर 3, रॉयल एनफील्ड स्क्रीम 411। हिमालयन पर बेस्ड रॉयल एनफील्ड की इस नई बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया और ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से रेडी है। इस बाइक का लुक और फीचर्स दोनों हिमालयन से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसकी प्राइस रॉयल एनफील्ड हिमालयन से कम यानी कि करीबन 2,00,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस होगी और कंपनी इस बाइक को मई 2022 में इंडिया में लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, इंजन की बात करें तो इस बाइक में 411 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाएगा जो कि 24.3 bhp पावर और 32 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। तो अगर आपको कम कीमत में हिमालयन वाली फील चाहिए तो यार ये बाइक बहुत ही सही है, इस बाइक का वेट जरूर किया जा सकता है। नंबर 2, यामाहा XSR 155। यामाहा की इस रेट्रो मॉडर्न बाइक का इंडिया में काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि कंपनी इस बाइक को इसी साल इंडिया में लॉन्च कर सकती है। इस बाइक में राउंड एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लाइट, ओल्ड स्कूल टाइप लॉन्ग सीट, टीयर ड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक, स्लीपर क्लच और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। पावर स्पेसिफिकेशन देखें तो इस मोटरसाइकिल में 155 सीसी का इंजन होता है जो कि 19 bhp का पावर और 14.7 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो यामाहा XSR 155 को इंडिया में करीबन 1,25,000 से लेकर 1,40,000 रुपीस के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 1, रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650। इंडियन परफॉर्मेंस बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में आइकमा 2021 में रॉयल एनफील्ड SG 650 कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश किया था। इस मोटरसाइकिल में 648 सीसी का 2-सिलेंडर इंजन दिया जाएगा जो कि 47 bhp पावर और 52 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के नए डिजाइन और लुक तो भाई साहब सभी यंगस्टर्स दीवाने होने वाले हैं। इस मोटरसाइकिल में ड्यूअल चैनल ABS, ड्यूअल फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक, LED लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वो भी सभी फीचर्स आने वाले हैं। जी हाँ, जिसकी एक मोटरसाइकिल में जरूरत होती है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 की प्राइस रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 जितनी ही होगी यानी कि करीबन 3,00,000 रुपए के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों, इन टॉप 4 अपकमिंग बाइक्स में से आप किस बाइक का वेट करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल हिंदी ऑटो न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।